प्यारे बच्चों, मैं जगत बिहारी मिश्र, कला शिक्षक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, आज आप कक्षा 9 के छात्रों को चित्रकला में मानव चित्रण के अंतर्गत, मानव आकृति चित्रण के अंतर्गत सपेरा सपेरा आप लोग जानते हैं, जो बीन बजा करके सांपों को नचाते हुए, सांपों को दिखाते हुए गली गली में घूमते हैं, हमारे और आपके आते हैं, विशेषकर नाग पंचमी के दिनों में सपेरे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जो सांपों का खेल दिखा करके अपना पेट भरते हैं, उन्हें सपेरा कहते हैं। तो आज हम लोग सपेरा बनाने का प्रयास करेंगे। आइए,
तो आपने अभी सपेरा ये देखा, जो सपेरा बीन बजा रहा है और सांप जो है वो दिखाने के सांप को दिखा रहा है, टोकरी में सांप है और यहाँ सपेरे की लाठी भी सपेरे की रखी हुई है। सपेरे चलते हैं तो अक्सर एक लाठी या डंडा इनके पास जरूर होता है। तो इस तरह से ये सपेरा पब्लिक को जो है अपना दिखा रहा है खेल तमाशा। तो आप लोग सपेरा बीन बजाता है, जब बीन बजाता है तो सांप जो है वो आकृष्ट होकर के सांप वो टोकरी से बाहर निकलता है। और आपको भी बता दूं कि सांप के कान नहीं होते हैं, जो बीन बजता है वो धरती की तरंगों से जब बीन की आवाज़ टकराती है तो उसके वाइब्रेशन से सर्प जो है उसको आभास होता है उसके कि बीन बज रही है या कोई ध्वनि है। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे सपेरा बनाने के लिए और सांप वो परीक्षा के लिए आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे इसको अभ्यास करके। ये पेंसिल या क्रेयान से अक्सर बनाने को आता है। तो ये आपका सपेरा हो गया। चलो ठीक है।